नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया इलेक्शन मित्र ऐप, जाने मतदान संबंधी जानकारियां। BRABU में हल्दी से तैयार घी पर शोध, कई रोगों से करेगा बचाव। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर साइबर ठगी का नया मामला। उत्तर बिहार में आज दिखेगा रेमल तूफान का असर। ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर के लिए BCCI ने की बड़ी घोषणा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया इलेक्शन मित्र ऐप, जाने मतदान संबंधी जानकारियां। रविवार को पटना जिला प्रशासन द्वारा विकसित इलेक्शन मित्र ऐप एवं व्हाट्सएप चैट बोट का शुभारंभ किया गया। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने DM शीर्षत कपिल अशोक, बिहार के मुख्य अपर मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी आलोक रंजन घोष, उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। इलेक्शन मित्र ऐप पर मतदान संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं जिला प्रशासन पटना के व्हाट्सएप चैट बोट नंबर 7480888493 पर हाय या हेलो टाइप करके मतदान संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। BRABU में हल्दी से तैयार घी पर शोध, कई रोगों से करेगा बचाव। BRABU के शोधार्थियों द्वारा कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के निर्देशन में हर्बल घी बनाने का तरीका इजाद किया गया है, जो कैंसर, अल्जाइमर और दिल की बीमारियों से बचाने में सहायक होगा। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के अनुसार घी को अधिक समय तक भंडारण व उपयोग के लिए इसमें करक्यूमिन का फोर्टिफिकेशन किया गया है। करक्यूमिन हल्दी में पाए जाने वाला एक तत्व होता है, जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। करक्यूमिन फोर्टिफिकेशन की वजह से घी में कई गुणकारी प्रभाव देखे गए हैं और साथ ही इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए गए हैं। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर साइबर ठगी का नया मामला। बिहार में पिछले कुछ दिनों में साइबर ठगी के आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कटिहार सहायक थाना क्षेत्र से जुड़ा है। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला के रहने वाले अनिमेश घोष को स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसाया गया और लगभग 70,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मामले में साइबर ठग अनिमेश को शिकार बनाते हुए लगभग एक घंटा फोन पर बात करते रहे और इस दौरान उन्हें झांसे में लेकर बैंक अकाउंट से 70,000 रुपए गायब कर दिए। BRABU के फिश एंड फिशरीज के सिलेबस में होगा बदलाव। BRABU में फिश एंड फिशरीज के UG और PG दोनों का सिलेबस बदलने वाला है। एफिलिएशन कमेटी द्वारा इसे पास भी कर दिया गया है और नए सत्र से लागू कर दिया जाएगा। जियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवानंद सिंह के अनुसार फिश एंड फिशरीज को और भी अधिक रोजगार परक बनाने की तैयारी की जा रही है। नए सिलेबस में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, साथ ही आधुनिक तकनीक को भी शामिल किया जाएगा। अब तक MSc में 2 वर्ष और स्नातक में 3 वर्ष की सीधी पढ़ाई होती थी। खून के काले कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा। बिहार के मुजफ्फरपुर से खून के काले कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रविवार को जिले के SKMCHOP पुलिस द्वारा ब्लड डोनेशन के नाम पर खून का धंधा चलाने के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आशंका है कि इस रैकेट में कई निजी नर्सिंग होम और खून जाँच केंद्र शामिल हो सकते हैं। SKSCHOP प्रभारी डॉक्टर ललन पासवान को यह गुप्त सूचना मिली थी कि मेडिकल के पास एक चश्मे की दुकान चलाने वाला युवक अवैध तरीके से खून के धंधे में जुड़ा हुआ है, जिसके बाद प्रभारी द्वारा उसे दबोचा गया। युवक पहले ब्लड बैंकों में ऑपरेटर का काम कर चुका है। उसके मोबाइल में खून बेचने वाले कॉलेज के छात्र छात्राओं और युवकों के 100 से अधिक नंबर मिले हैं, जिनके नाम के आगे डोनर लिखा है। प्रशासन आगे की कार्यवाही में लगा हुआ है। इस नेटवर्क के और भी बड़े होने की आशंका है। उत्तर बिहार में आज दिखेगा रेमल तूफान का असर। आज बिहार के उत्तर भाग के कुछ जिलों में रेमल तूफान का असर देखा जा सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश होने की भी संभावना है। पूर्णिया कटिहार इलाके में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके प्रभाव से उत्तर बिहार के इन शहरों में तापमान में कमी भी देखी जाएगी। हालांकि तूफान का असर खत्म होने के बाद तापमान में दोबारा बढ़ोतरी होगी। वहीं दक्षिण बिहार उमस भरी गर्मियों के चपेट में रहेगा। चुनावी ड्यूटी से लौट रहे नागालैंड के एक जवान की हीट स्ट्रोक से हुई मौत।
इंडियन रिजर्व पुलिस नागालैंड के एक जवान की भोजपुर में मौत हो गई है। सिवान से चुनाव कराकर रोहतास लौट रहे जवान की जान जाने की वजह हीट स्ट्रोक बताई जा रही है। मृतक जवान नागालैंड के मोकोकचुंग थाना क्षेत्र खेंसा गांव के निवासी थे। जवान की तबीयत कोइलवर क्षेत्र के समीप खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें आरा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसके बाद शव को नागालैंड भेज दिया गया। 450 लीटर अर्धनिर्मित शराब सहित शराब की एक भट्टी पुलिस ने किया नष्ट। सोनपुर और न्यानगांव में एसडीपीओ के निर्देश पर शराब एवं अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी लगातार जारी है, जहां शनिवार को पहलेजा थाने के लोदीपुर दियारा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं लगभग 450 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित देसी शराब को भी नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान 100 लीटर देसी शराब और एक बाइक के साथ ही सैदपुर नौडीहा निवासी संजय शाह नामक एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। तेजस्वी के पीएम को लिखे पत्र पर भर के जदयू प्रवक्ता। तेजस्वी यादव द्वारा पीएम को लिखे पत्र में जातीय आधारित जनगणना का श्रेय खुद लेने पर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल तेजस्वी पर भड़क उठे हैं। उन्होंने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा है कि ट्विटर बॉय तेजस्वी यादव के पीएम को लिखे पत्र में केवल झूठ है। बिहार में जातीय जनगणना तेजस्वी की नहीं बल्कि सीएम नीतीश की सोच थी। जदयू प्रवक्ता निखिल ने कहा है कि नीतीश कुमार जातीय आधारित गणना की मांग अपने रेल मंत्री के पद पर रहते हुए करते आए हैं, जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। निखिल का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा की सहमति के बाद अपने संसाधनों के बल पर राज्य में जाति आधारित गणना को सफलतापूर्वक कराया और पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि तेजस्वी इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर तंज, बिहार में नहीं दिखी कांग्रेस। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि मैं 17 महीनों से बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं भी बिहार में न कांग्रेस दिखा, न कांग्रेस का झंडा, न कोई कार्यकर्ता और न ही कोई कार्यक्रम। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कौन सा दल किसको क्या जिम्मेदारी दे रहा है, ये तो उनकी अपनी समझ पर निर्भर है। राजद की जिम्मेदारी तेजस्वी और जगदानंद बाबू पर है, मगर राजद ने क्या सोचकर उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी, ये तो वही बता सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि वे बिहार में क्या करना चाहते हैं। 4 जून को अंतिम सांस लेंगे भाजपा वाले, तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के काराकाट से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से पीएम मोदी को बेडरेस्ट कराने वाला बयान दिया है। विक्रमगंज इंटर कॉलेज के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी वाले अंतिम सांस लेने वाले हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए, तभी पीठ में होने वाला दर्द से छुटकारा मिलेगा। यह खबर सुनकर बीजेपी वाले बहुत खुश हुए थे कि अब आसानी से हम झूठ बोलकर और मनगढ़ंत कहानी रचकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं कि मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं लूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट ना दे दूं। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट करेगा कार्यवाही, जदयू। प्रधानमंत्री के बिना नाम लिए लालू परिवार पर कार्यवाही करने वाले बयान पर सियासत गर्म है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं डरने वाला नहीं हूं। तो वहीं अब जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने रविवार को पलटवार करते हुए कहा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कात्याल की जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। यह मैटर कोर्ट में है और इसमें क्या करना है इस पर कोर्ट फैसला करेगा। तेजस्वी के भरोसे बिहार में इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के कई शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता बिहार में अब तक 49 सभाएं कर चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन बिहार में सिर्फ तेजस्वी के सहारे चल रही है। बिहार में कांग्रेस के शीर्ष नेता की अब तक मात्र 6 रैलियां हुई हैं, जो सिर्फ कांग्रेस की ही सीट पर हुई। राजद, वीआईपी या लेफ्ट पार्टियों के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा कोई रैली नहीं की गई है। इन सभी उम्मीदवारों का जिम्मा तेजस्वी और मुकेश सहनी के कंधे पर ही है।
नीतीश की फिर फिसली जुबान, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कह किया संबोधित। रविवार को दनियामा में पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार की सभी 40 सीटें और देश भर में 400 सीटें जीते और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने, ताकि देश का विकास हो और बिहार का विकास हो। इस पर मंच पर मौजूद नेताओं ने नीतीश कुमार को टोकते हुए कहा, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, जिस पर सीएम नीतीश ने गलती सुधारी और कहा कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है ही। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर के लिए बीसीसीआई ने की बड़ी घोषणा। रविवार को खेले गए आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम किया। तो वहीं आईपीएल 2024 के खत्म होने के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर को मोटी रकम देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई की तरफ से इन सभी गुमनाम हीरो को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। दरअसल बीसीसीआई सचिव जय शाह द्वारा आज यह घोषणा की गई कि सभी नियमित आईपीएल वेन्यू के ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटर्स को लीग के दौरान शानदार पिच बनाने के लिए उन्हें इनाम के रूप में 25-25 लाख रुपया दिया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है नुन्नू गोपाल कुमार, राजकिशोर महतो, सुबोध कुमार, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, संघर्ष कुमार, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, अमन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, मोहम्मद शफीक, नौसाद रजा, अमित कुमार, नवल किशोर झा, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल में केकेआर के जीतने के मूल मंत्र क्या हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।